मैं बहराइच में मतदान केंद्र पर खड़ा हुआ हूं। यहां पर मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं और बहराइच की दो लोकसभा सीटें हैं जिस पर एक लोकसभा सीट पर आज मतदान 13 तारीख को हो रहा है, बाकी दूसरा जो कैसरगंज लोकसभा सीट है उसका मतदान 20 तारीख को होगा। आइए कुछ मतदाता मतदान करके आए हैं, इनसे बात करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं और क्या उम्मीद लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? यही है कि बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, जो मोदी जी नारा दे रहे हैं उस नारे में सफल नहीं है। और क्या? अब यही है कि हर इंसान यही चाह रहे हैं बदलाव। देखिए, इनका कहना है कि बेरोजगारी काफी हद तक है और क्या महंगाई है। एक महिला भी देखिए वोट डाल के आई है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, आपका क्या मुद्दा था जो आप मतदान केंद्र पर आई हैं सुबह ही सुबह? और क्या मुद्दे? जैसे गरीब परेशान बहुत हैं, तो महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं, उनके काम अपना अच्छे से हो जाए, अब थोड़ा बदलाव आए। देखिए, ये भी बदलाव की बात कर रही हैं, काम मिले, लोगों को रोजगार मिले, ये कहना है। एक बुजुर्ग महिला भी है हमारे साथ, देखिए इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या आप वोट डाल कर आई हैं? तो कैसा लग रहा है, क्या है आपकी उम्मीद? बहुत महंगाई में भैया, गरीब आदमी बहुत मजबूर नहीं, कहा बताई गई कि महंगाई में हम कहा बताई गई भैया, बहुत महंगाई है, खुद ही बर्तन धो रहे हैं, परेशान क्या करें, अब कुछ आवे जो बच्चे पेट भरे। देखिए, इनका कहना है कि ये बर्तन मांझ कर दूसरों के घर में अपना पेट भर रही हैं और जिस तरह से महंगाई है उन महंगाई को लेकर के ये वोटिंग करने के लिए आई हैं। एक पुरुष हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अहमद जी। क्या लगता है? महंगाई बहुत है, महंगाई हटना चाहिए। और क्या मुद्दे हैं? परिवर्तन होना चाहिए, ये सरकार हटना चाहिए, मोदी जी मुझे नहीं चाहिए अपने सियासतों में। देखिए, इनका कहना है कि ये बदलाव है होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और इस परिवर्तन के बीच में किस तरह से जो है लोगों का आवागमन यहाँ शुरू हो गया है, लोग भारी तादाद में आ रहे हैं। अभी चूँकि मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो रहा है, हवा चल रही है, सूरज की तपिश भी कम है, ऐसे में मतदाता मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बहराइच से मोहम्मद काशिद की, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।